नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर और टीम इंडिया को दो दो विश्व कप जिताने में बड़ी भूमिका निभाने वाली युवराज सिंह ने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ भारत की घरेलू क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था। यूवी इसके बाद विदेशी T20 और T10 लीग में खेलते हुए जरूर नजर आए थे। BCCI ने भी उनको विदेशी लीग्स में खेलने की अनुमति दे दी थी। हालांकि अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट में वापसी करना चाहते हैं, खासकर घरेलू क्रिकेट में। इसको लेकर उन्होंने BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली को रिटायरमेंट से वापस आने के लिए पत्र भी लिखा है। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि वो आगामी सत्र के लिए घरेलू क्रिकेट में पंजाब की ओर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। क्रिक बस को दिए एक इंटरव्यू में सौरव गांगुली ने इस बात को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट की वापसी को लेकर BCCI को युवराज ने लेटर लिखा है। आपको बता दें, युवराज सिंह ने पिछले साल 10 जून को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। युवराज सिंह पंजाब के लिए कम से कम T20 क्रिकेट खेलने की योजना बना रहे हैं। फिलहाल भारत का घरेलू सीजन कोरोना वायरस महामारी की वजह से शुरू नहीं हो सका है। जून 2019 में क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास लेने वाले युवराज सिंह के अंदर फिर से ये जुनून जाग गया और वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही पंजाब क्रिकेट बोर्ड ने उनसे आग्रह किया था कि वो टीम के साथ जुड़ जाएं, जिससे युवाओं को बहुत फायदा होगा। अब ऐसा लग रहा है कि युवराज सिंह ने उनके आग्रह को मान लिया है। युवराज सिंह ने अपने रिटायरमेंट के बाद वापसी को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को ईमेल किया है कि वो अगले कुछ सीजन पंजाब के लिए खेलना चाहते हैं। इस लेटर में युवराज सिंह ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अगर उनको अनुमति दी जाती है तो वो फिर विदेशी लीग्स में खेलना पसंद नहीं करेंगे। अब इस मामले में युवराज सिंह को BCCI से जवाब मिलना बाकी है। हालांकि युवराज ने कहा है कि अगर अनुमति मिलती है तो मैं सिर्फ T20 क्रिकेट खेलूंगा, लेकिन कौन जानता है, देखते हैं। क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर ही है, एक बार वो फिर से अपने शानदार ऑलराउंडर को दोबारा से मैदान पर चौके छक्के लगाते हुए देख पाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।